जो प्रोमो में से दिखा कि आप लोग एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं इलेक्शंस के, और नेताओं को लेकर भी आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आज ही न्यूज एक्सप्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कि कई सारे ओपिनियन पोल सामने आए जो कि गलत ओपिनियन दिखाते हैं पब्लिक को, गलत पार्टीज का दिखाते हैं कि वो बढ़त पा रही है या कम कर रही है। तो ऐसी काफी सारी एजेंसी सामने आई। आप ऐसे ओपिनियन पोल्स को लेकर के क्या अपनी धारणा रखते हैं, क्या सोचते हैं आप, और क्या मानते हैं ये ओपिनियन पोल्स कितना एक आम आदमी के वोट पे इफेक्ट करता है? जी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो ओपिनियन पोल्स बनाते हैं वो ज्यादा जानते होंगे, और अंतिम फैसला तो जनता ही करती है। सर, आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट, डू यू थिंक, या मी हियर फ्रॉम सीएनएन टू टू राइट, या डू यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन दिस फिल्म, डू यू थिंक लुकिंग एट द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री वी नीड सम डिवाइन इंटरवेंशन एंड प्रॉब्ली अ भूतनाथ लाइक योर कैरेक्टर टू कंटेस्ट इलेक्शंस दिस टाइम अराउंड फॉर अ बेटर गवर्नेंस? I don't know what the motive was in Nitesh's mind when he was drafting the script, but it'll be difficult for me to reveal to you the entire story. But I do wish that you see it, and I do hope that you can meet us after that, because I feel that you may not have the necessity to ask me this question. You will find all the answers in the film. बच्चन साहब, कभी आपको अगर मौका दिया जाएगा, यहाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पे आपको अगर मौका दिया जाएगा दोबारा इलेक्शन में उतरने का, तो क्या आप उतरेंगे? जी बिल्कुल नहीं। गाने पे हमने बहुत ध्यान दिया इसमें, और मैं भी ये लाइन मानता हूँ कि गाना सुपर हिट तो फिल्म भी सुपर हिट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत टाइम से ड्रीम था कि अमित जी की पिक्चर प्रोड्यूस करूँ, तो वो मौका मुझे अमित जी ने और पीआर फिल्म्स ने दिया, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। I'm actually not in that shot, दुर्भाग्यवश। आपके चेहरे पे भी कुछ हम थोड़े नाराजगी देख रहे हैं। अपने आप को तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ उनके साथ, वो बहुत पॉपुलर हैं, और आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो बता रही है कि वो कितने पॉपुलर हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी हमें अवसर मिले कि उनके साथ काम करने का, कहीं छोटा मोटा कभी इधर से उधर पास ही मिल जाए, अच्छा रहेगा। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, यहाँ सामने सेंटर। सॉरी, क्या आई थिंक दैट स्टोरीज आर डिफरेंट, द वे दे हैव बीन ट्रीटेड इज डिफरेंट। द स्क्रीन प्ले ऑफ भूतनाथ वॉज क्वाइट यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स सक्सेस एक्चुअली स्पोक वॉल्यूम्स एज टू वाई इट वॉज अ सक्सेस, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। बट एट द सेम टाइम भूतनाथ रिटर्न्स इज इक्वली वेल क्राफ्टेड एंड ब्यूटिफुली स्क्रीन प्लेड, एंड आई एम श्योर दैट व्हेन यू सी द फिल्म, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू टॉक अबाउट द फिल्म बिकॉज देर आर मेनी एरियाज विच वी कांट टॉक ऑफ विदाउट रिवीलिंग द स्टोरी। सो आई होप दैट वी कैन मीट आफ्टर द फिल्म रिलीजेज, एंड होपफुली इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर द सक्सेस ऑफ द फिल्म, एंड वी कैन मीट विद यू अगेन। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, सेंटर। सर, आपकी जो पहली फिल्म थी चिल्लर पार्टी, आपने को डायरेक्ट की थी, उसके बाद आप दोनों जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिल्म बनाई, उनकी कोई ना आ रही है, आपकी भूतनाथ आ रही है, इज इट लाइक कि कह सकते हैं अगर दोबारा सामने नहीं आएगी एक साथ काम करते हुए, या अपनी इंडिविजुअल पहचान दिखाना चाह रहे थे अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिल्म के साथ आप लोग? चिल्लर पार्टी ब्रॉट अस टुगेदर, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सर्कमस्टेंसेस यू नो आर द वंस व्हिच यू नो कीप यू अपार्ट इवन दो यू वांट टू बी टुगेदर। सो दैट डज नॉट मीन दैट मी एंड विकास आर नेवर गोना कम बैक टुगेदर और एनीथिंग लाइक दैट। यू नो विकास गॉट बिजी विद हिज फैंटम, ही गॉट बिजी विद क्वीन, यू नो ही गॉट बिजी विद वोट नॉट रिटर्न्स, परफेक्टली फाइन। तो आपने उनकी फिल्म का प्रोमो देखा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हिच क्वीन? क्वीन, या आई लव इट, या इट्स अ फैंटास्टिक प्रोमो, आई लव इट टू। थैंक यू सर। डायरेक्टर आई एम प्लेइंग रोल ऑफ अक्रूट्स मदर।
apart from that, I can't disclose anything. But working with Bachchan sir, it's a dream come true. एक्टर होने का जो एक होता है ना कि हम एक्टर बनने की इच्छा थी जो था वो सब पूरा हो चुका है उनके साथ काम करने के बाद. यस दिस इज माय ऑनेस्ट कन्फेशन. इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. हर एक का सपना होता है कि इनके साथ एक स्क्रीन पे शेयर करे, इनके साथ काम करे, एटलीस्ट एक फोटो तो खींच ले जिंदगी में. एंड मुझे पूरी मतलब एक फीचर फिल्म करने का मौका मिला तो मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ. सर राइट की तरफ. सर आ जाओ पता है दादा आप भी हो मुझे भी पता है. तो हा फोटो मारणार नाहीस ना तिथं तर मारणार ना फोटो मारू ना मग म्हणजे काढा राहिले तिकडे कसं खरं फोटो. सर ना रे वीडियो फ्लैश आता का. सर एक पहले वाला पोज़ दे रहा है. सर भूत वाला पोज़ है. सर प्लीज 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 सर एक बार.